रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है, लेकिन उसे हार्ड डिस्क ली है, वो रिकॉर्डिंग रिकवर करने जा रहा है। रिकवरिंग हो जाएगी क्या? अरे डिजिटली रिकॉर्ड हुई थी, कोई भी चीज डिलीट नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट चाहे तो शायद वो रिकवर कर ले। अब क्या करेंगे? मोहल्ले के किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास लेके गया है, समी नाम है। सीट बेल्ट लगाओ। हाँ? तुम लोगों ने ये क्या हालत बनाई हुई है? क्या हुआ? बस मत पूछे, अब हम बता नहीं सकते कि क्या हुआ है हमारे साथ। अंदर आ जाए हम? हाँ आइए आइए, दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? नहीं, कभी नहीं, मैं इस मामले में बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगी। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, देख लेना, उन्हें इस मोहल्ले में रहने नहीं दूंगी मैं। बताओ आखिर ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने? असल में बात यह है कि इसकी बेटी को पड़ोस वाले की छोटी बेटी ने बहुत मारा है। हाय या अल्लाह, आखिर कैसा खानदान है ये, हमें पता ही नहीं चला। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका ताल्लुक गांव देहात से है। क्या मतलब? अल्लाह उनके घर से सबको बचाए। आमीन आमीन सुमामी। हिकमत हिकमत, आओ आओ सुनो के लैला के घर वालों ने फिर से नया चांद चढ़ाया है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इन लोगों के बहुत सारे चेहरे, और मैं तो चेहरे पढ़ने का माहिर हूँ क्योंकि मैंने तो सर्टिफिकेशन ली हुई इस मामले में। मैं नहीं जानता कि इनके और कितने चेहरे हैं, लेकिन मैं अपनी तहकीकात जारी रखूंगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। लिख के रख ले बात। हिकमत हिकमत, वाह वाह वाह, क्या है, क्यों चीख रही हो? आइए साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया, तुम बैठ जाओ। शुक्र है बगैर किसी नुकसान के जान छूट गई। इस खानदान के दरवाजे के आगे से भी नहीं गुजरना चाहिए। अल्लाह का बहुत शुक्र है और एहसान है कि ये मामला ही खत्म हो गया, जान छूटी। शुक्र है बगैर किसी नुकसान की जान छूट गई। गीबतें करना बंद करो, खत्म हो गई है वो बात। तुमने मलिका को मार्केट भेजा था, कहाँ तक पहुँची तैयारी? हाय अल्लाह, मैं तो भूल ही गई थी कि हमें तैयारी करनी है। शरीफा मैडम, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, तैयारी मेरी जिम्मेदारी है। मेरा अपना कैफे होता था, उस पे मैं हर तरह की पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था। अच्छा खासा कैफे मेरा चल रहा था, पता नहीं क्यों मैंने उनके हवाले कर दिया, क्यों मैंने किराए पे दे दिया, पता नहीं क्या सोच रहा था मैं। बिल्कुल, इसका हिसाब जरूर लूंगी मैं उन लोगों से। हाँ। देख लेना। आए। अरे आप तो अभी भी गुस्से में है, थोड़ा पानी पीजिए, ठंडा हो जाइए, खाना एंजॉय करें। नौरीन कहाँ थी तुम? बच्चों की कोई खबर नहीं अब तक, पता नहीं कहाँ है, किसी मुसीबत में ना हो। तुम कहाँ थी? जरूरी काम से गई थी। कौन सा काम? चोरी। नौरीन मत करो ऐसा, माफी मांगी है ना मैंने? ठीक है, मुझे एहसास है मैंने गलत बात की थी, लेकिन सब कुछ तुम्हारे सामने है। उस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैंने जो कहा उसको भूल जाओ, बाद में हर बात की तलाफी कर दूंगा, वादा है मेरा। चलो इस बात को बाद में देखेंगे, लेकिन इसकी तलाफी मुमकिन नहीं। नौरीन ये वक्त नहीं है, देखो वो हार। हार हार, परेशान ना हो, चोर माँ की चोर बेटियां सब कुछ ठीक कर देंगी, तुम बेफिक्र रहो।